गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। और मैं हूं अंकुश ठाकुर और हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जहां पर हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम, दैट इज जेके पीएसआई, दैट इज पुलिस सब इंस्पेक्टर गाइज। एंड सबको मेरी तरफ से हाय हेलो यहाँ पर जुड़ने के लिए, सो वेलकम टू द क्लास गाइज, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम गाइज सब लोगों को मेरे तरफ से। एंड यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है किसी ने, ओके 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 ओके, हेलो सर रिप्लाई प्लीज। खुशबू हेलो, बताएं आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, गुड इवनिंग प्लीज रिप्लाई। गुड इवनिंग मधुबाला, गुड इवनिंग, हेलो खुशबू हेलो, सो वेलकम बैक टू द क्लास गाइज। एंड आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप सो कि आपकी जो तैयारी है वो सही से चल रही हो। सो गाइज जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं एंड सेशन को साथ में ही लाइक कर दें, सो दैट आपको बाद में मुझे बार बार ना बोलना पड़े सेशन को लाइक करने के लिए। क्लास में आने के लिए धन्यवाद गाइज, जुड़े रहे हमारे साथ, दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। एंड गाइज साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है, दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर ऐप, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हम लोग लेकर आए हुए हैं, जहां पर आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आप वो चीजों को भी जरूर देखें, वहां पर जाकर भी जो है गाइज उन चीजों को भी एक्सेस करें, उन चीजों को भी देखें, अपनी तैयारी को जो है और भी ज्यादा तैयार हो जाएं पूरी। वो एक बचपन में एक पोइम पढ़ते थे हम लोग, आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ में हमने पढ़ा था, आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, है कड़ी है रात दोस्तों थकने का नाम भी ना लो। तो बिल्कुल गाइज थकने का नाम लेना बंद कर देना है, अब एग्जाम बिल्कुल पास में है आप लोगों के, जल्दी से जुड़ जाएं गाइज। एंड गुड इवनिंग सब लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से गाइज, जल्दी से जल्दी आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ देखिए इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1225 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद 4000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लेकर को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। भाई लाइक कर भी दिया करो सर, इतनी मेहनत करते हैं कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल हर कोई इस बात को नहीं समझता है, तो चले जो लाइक करते हैं उनका धन्यवाद। साथ ही साथ गाइज अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो, दोबारा से अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो ये कोर्स भी आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सो यहां पर आप लोगों के लिए 400 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, पूरा टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगी, एमसीक्यू सेशंस प्लस पीडीएफ उनकी मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवॉल्ट पढ़ा है तो रिवॉल्ट पर पर्टिकुलरली आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए। साथ ही साथ गाइस जो हमारा जर्नल अवेयरनेस का वीकेंड चल रहा था, लास्ट टाइम हमने जो 15 एमसीक्यूज सीरीज डिस्कस करी थी, उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीट विद आंसर्स के साथ अपलोडेड है हमारे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है इसको एक्सेस करने के लिए। तो इन टेस्ट को आप आराम से ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पर कि आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है, पर्टिकुलरली आपके लिए आज दिन को भी हमने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने ये चीज बताई है कि आप कहां से एक्सेस कर सकते हो ये पीडीएफ। सो गाइज जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो यहां पर जाकर जो है इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चले स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन, बट उससे पहले कुछ बच्चे यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके वरिंदर सिंह, आपका भी नाम लिया जाएगा, सर मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, मैंने वीएलडब्ल्यू में फॉर्म भरा है, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है मुझे प्लीज बताएं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपको यहाँ पर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, जो आपको देखा जाएगा, पुलिस में भी नहीं होता है इतना, जेके पीएसआई में भी नहीं है, बट थोड़े बहुत आप में प्रॉब्लम जो होगी वो निगलेक्ट कर देते हैं, बट मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। शहर से पहले चलो, बिल्कुल शहर से पहले, यही तो पॉइंट थी। चले गाइज आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई मीन पहला क्वेश्चन आपके लिए हम डिस्कस करेंगे, पहले दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट दोस्तों आंसर करो मेरे चन्न माहियो, आंसर करो यहां पर जैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है आंसर करो। सो बिल्कुल वारिश फाक साहब, लेट्स स्टार्ट। सो चले गाइज स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर आपको दो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, आंसर करो। तो यहां पर कोई कह रहा है कि सर मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, हाय सर अग्निवीर की स्टडी करनी है, सबा चंदा। तो आप चंदा साहब यही है अग्निवीर का सिलेबस भी, जैसे अगर आप देखो ना तो बिल्कुल यही चीजें वहां पर रहने वाली है, फिर भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, हमें यहां पर पढ़ लीजिए, यही चीजें आपको वहां पर भी आने वाली है गाइज। 100 प्लस स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, बट लाइक
सबने नहीं करा, तो सब लाइक कर दे यहां पर। तो यहां पर क्या क्वेश्चन आंसर है गाइज, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आपने देखा होगा उसके बीच में एक चक्र बना होता है, वो चक्र हमने मौर्यन डायनेस्टी से लिया हुआ है फ्रॉम द अशोका के रूल के टाइम से। तो गाइज यहां पर आपसे पूछ रहा है कि उसके अंदर वो जो मतलब डंडे होते हैं स्पोक्स जिनको कहते हैं वो कितने होते हैं। योर ऑप्शन इज 22, 18, 24 और गाइज 14। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहां पर, राइट आंसर रहने वाला है 24। 24 स्पोक्स होते हैं उसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अग्निवीर जो बोल रहा था अग्निवीर में आपको आएगा, सर मुझे आंखों में प्रॉब्लम है बाकी सब एग्जाम दिए हैं। साजिद अहमद घबराने की बात नहीं है, उधर बोलना मत खुद से जाके कि मेरी आंखों में खुद प्रॉब्लम है, तो खुद मुसीबत अपने सर पे मत ले लेना। यहां पर देखिए, फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट ओरिजिनेट। आपने बताना कि जो अलवर सेंट थे ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुए थे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र। गाइज तो क्या आंसर रहने वाला है यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करते रहे, राइट आंसर बनेगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश गाइज, आगे बढ़े गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं आपको, और अगले दो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3 पूछ रहे व्हाट इज मिलिंद पानो। मिलिंद पानो क्या है, आपने ये एक बुक है गाइज, ठीक है ये एक बुक है। ठीक है चलिए, तो आपको बता सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अगर मैं जेके एसएसबी में होता तो मैं बता भी देता यार, हमें क्या पता होगा। शुभम सर जब आपकी क्लास लेते हैं ना उनसे पूछा करो इस बारे में, उनको बहुत नॉलेज है एडमिट कार्ड का, एग्जाम का, वो मेरे से ज्यादा जो है बारीकी से जानते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि तुम लोगों को तैयार करना, बस मेरा काम तुम्हें तैयार करना है, ना कि तुम फिर जब एग्जाम जब मर्जी तब हो जाए एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तो बताओ यहां पर मिलिंद मानो क्या है गाइज, तो ये एक क्या है गाइज, इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एंड मिलिंद ऑफ द यू नो ये एक राजा थे, मिलिंद जो है एक राजा थे बैक्ट्रिया के, और जो है नगर सेना का नाम आपने सुना होगा, जो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके बीच की एक बातचीत को इस बुक में रिकॉर्ड किया गया है। तो बिल्कुल ये यहां पर यही आंसर जो है इसका रहने वाला। आगे बढ़ो, अ वेल प्रेफर्ड ट्री फॉसिल सपोज्ड टू बी फ्रॉम जुरैसिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम। जुरैसिक एज जब डायनासोर्स का रूल इस इंडिया में था, रूल भी नहीं बोलूंगा, जब वो पाए जाते थे यहां पर, तो भाई साहब आपने बताना कि सेम उस एज का हमें एक फॉसिल मिला है हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में जो है। यहां पर देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करो। जेके पी के एग्जाम दिए बॉर्डर बटालियन के 70 पॉइंट्स, एनी चांसेस एसटी कैटेगरी। यस साजिद अहमद एसटी कैटेगरी 70 पॉइंट आई थिंक सो के सेफ होना चाहिए मेरे हिसाब से यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत सारे बच्चे स्किप करना है। गोलू कह रहे हैं कि सर स्लिप करो तो मेरे गोलू, ये ले तेरे लिए आंसर, ये आंसर है छत्तीसगढ़। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुरैसिक टाइम का एक फॉसिल हमें इंडिया में मिला है कौन सी स्टेट में गाइज, छत्तीसगढ़ में। याद रखें गोलू जी को तो ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए अब। चलो गोलू जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, बट आपको पहले 5 दिखाया जाता है। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता है बुद्धिज्म के कितने सेक्ट है, महायाना, हायाना है ना, देन उसके बाद हम देखते हैं इनका और भी बहुत सारे, मेजर इनके यही है मयाना एंड हयाना। बट गाइज यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धिस्ट का जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, बुद्धिस्ट का सेक्ट नहीं है, उनका क्लैन नहीं है। देखिए मयाना भी है, हयाना भी है, एंड त्रिवेदा इनकी बात भी करें तो ये भी है, बट दिगाम्बर एंड श्वेतांबर आर द जैन, ये तो जैन सेक्ट है। दिगाम्बर एंड श्वेतांबर दो जो है ये जैन के हैं, तो या भाई साहब यहां पर दिगाम्बर जो है ये जैन का है, तो इसलिए यहां पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो गलत कर गए यहां पर है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट और फिर आंसर भी करे। सर इंडिया लॉस्ट टुडे, आई फील डिमोटिवेटेड, व्हाट शुड आई डू। आर्मी वॉर अपडेट, ठंडे पानी से नहा लो ठीक हो जाओगे, अपडेट। एग्जाम इज एग्जाम, वो उतना प्रॉब्लम उनको नहीं हुई जो हारे होंगे, उनको तब भी पैसा मिला होगा एंड दे आर नाउ एंजॉयिंग अभी अपने जो फैमिली है उनके साथ, तो हमको भी गेम को गेम की तरह ही रखना चाहिए। सर ज्योग्राफी की समझ नहीं आ रही कैसे पढ़े। साहिल शर्मा जल्द ही हम लोग भी अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द एसएससी एग्जाम, तो आप हमसे जुड़ जाएं, आई होप सो कि आप तब ज्योग्राफी अच्छे से समझ लोगे। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज, जो पहला सर्मन बुद्धा का था उसको क्या कहा जाता है, यहां पर बताएं क्या आंसर रहने वाला है गाइज, आराम से पढ़ें इनको। ठीक है बड़े टफ से नाम होते हैं बट क्या करें, पढ़ना तो है यहां पर इनको, है ना।
तो फटाफट बताएं गाइस यहां पर क्या आंसर रहने वाला है। पहला सरमन जो बुद्धा का था उसको क्या कहा जाता है, चार ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, परिवर्ता नष्टु, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, तोड़ के पढ़ो धर्मा, ये देखिए धर्मा चका चका पा भता न सुता, ठीक है, तो तोड़ के पढ़ लो भाई साहब, किसी ने तो लिख भी दिया इतने टाइम पे, बताएं। शाबाश गाइस, तो ऑप्शन बी जो है इसका, तो जो पहला सरमन इन्होंने दिया था उसको यही कहते हैं। ठीक है, बार बार इतना तो मुझे भी नहीं याद रहेगा, बस मैं सिर्फ नाम याद रख लूंगा कि लंबा सा नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, बुद्धा का जो धम्मा था और जो संघा टुगेदर और नोन एज, धम्मा और संघा को मिलाकर जो है क्या बनता है गाइज, ऑप्शन है यहां पर त्रिरत्ना, त्रिवर्गा, त्रिसर्गा या त्रिमूर्ति, बताएं गाइज आंसर क्या रहने वाला है। उफ क्या नाम है, यही तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे नाम लिखते लिखते पूरी रात निकल जाएगी। बिल्कुल, तो हु वाज कॉल्ड लिछावी जो है दहुहित्रा, किसको कहा जाता था लिछावी दहुहित्रा, चार दो क्वेश्चन बताओ इनके आंसर। तो पहले वाले का आंसर क्या बनेगा गाइस, इनको कहा जाता था त्रिरत्ना, ठीक है, त्रिरत्ना कहा जाता था इनको, और यहां पर इनको किसको, लिछावी दहुहित्रा किसको कहा जाता है गाइस, तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट को। बिल्कुल एनिशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं एनिशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएं, बिकॉज एनिशियंट हिस्ट्री ना बहुत लंबी है, तो ना इसमें आपको कितना पढ़ोगे ऐसा लगता है कि यार कम है, जितना पढ़ो, एक तो इनके मतलब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सीरीज कब आएंगे सर जी, आप ठीक हो, मैं ठीक हूं, आप भी ठीक रहो, एंड पॉलिटी भी जल्द आएगी गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द हिस्ट्री कंपाइल हो जाए तो फिर मैं पॉलिटी लेकर आऊं। सो यहां पर पूछा जा रहा है कि महावीरास फर्स्ट डिसाइपल वाज, महावीरा के पहले शिष्य स्टूडेंट का नाम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, एंड देन आपसे पूछ रहा है कि वर्धमान महावीरा इज ऑल्सो नोन एज, वर्धमान महावीरा को और किस नाम से जाना जाता है। सर ये एनिशियंट हिस्ट्री है क्या, तस्लीम जान, तो तस्लीम जी ये बिल्कुल एनिशियंट हिस्ट्री ही है, ठीक है, तो ये आपने पढ़नी है। ठीक है, सो बताएं गाइज यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर रहने वाला है, दैट इज जमाली, जमाली जो है इनके पहले स्टूडेंट थे, आई थिंक सो इनके बेटी के ये हस्बैंड थे, एंड वर्धमान महावीरा को हम और किस नाम से जानते हैं, ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, ठीक है, सो ग्रेट प्रीचर इज द राइट आंसर, ही वॉज अ टीचर, ही इज अ ग्रेट प्रीचर, इंडियन टीम ही है, बकवास, बिल्कुल बकवास टीम है इंडिया की, छोड़ो उसको, गोली मारो और इधर एग्जाम पे ध्यान दो जहां तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, वरना उधर निकाल देंगे सब कुछ। चलो आगे बढ़ो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की तरफ से आठ फोल्ड पाथ बताए गए हैं जिनसे के आप लोग लाइफ को हैप्पी बना सकते हो, खुश रहना जिंदगी में कैसे रहना है, तो बुद्धिज्म ने आठ तरीके बताए हैं, तो यहां पर आपने बताना है जो इनमें नहीं आता। देखिए राइट स्पीच की ये बात करते हैं, राइट कंटेम्पलेशन की बात करते हैं, राइट कंडक्ट की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होती है, इंसान परेशान क्यों है, क्योंकि राइट वो उसकी डिजायर जो है वो होती है। ठीक है, तो राइट डिजायर, ठीक है, इंसान हमेशा डिजायर के पीछे भागता है और डिजायर ही जो है उसको ले डूबती है, तो ये यहां पर रहने वाला है। ठीक है सर, फटाफट यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, बट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म ही आपने सारे लेक्चर्स, नहीं अभी और आने वाले हैं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले भी करवाई है, अभी भी करवाई जाए, एंड थोड़े से सेशन के बाद आपको पॉलिटी इकोनॉमी पर भी फोकस किया जाए, इकोलॉजी इज देयर, साइंस इज देयर, तो सब कुछ बिल्कुल यहां पर रहेंगे। सर मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करो, बिल्कुल देखिए 20-20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 20 मिडिवियल, 20 मॉडर्न, बाकी जो होते हैं वो सारे के 40, बाकी 30 क्वेश्चंस में लाता हूं कहां से, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, ओके, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास, ठीक है, मौर्यास को देखिए, मौर्यास के लास्ट रूलर का नाम था बृहदीहत्ता, बृहदीहत्ता को पुष्यमित्र शुंगा ने जो है वो मारा था, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। सर मॉडर्न हिस्ट्री, ओके ओके ओके, ये कौन बोल रहा है जिसको सपने सोने नहीं देते, तो भाई साहब सपने सोने नहीं देते तो सपनों को पूरा करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। ठीक है, सपने वो होते हैं जो इंसान खुली आंखों से देखता है और जो इंसान को सोने नहीं देते। जब सपने आपको सोने न दे, जब सपने आपको जगाए रखे, समझिए कि मंजिल आपकी आपके पास आने वाली है, आप जो कुछ आप चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। तो यहां पर आपको मिलने वाला है राइट आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और यहां पर आ जाओ, यहां पर पूछ रहा है कि द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन द तिब्बत वाज, किसके द्वारा तिब्बत में बुद्धिज्म को फैलाया गया था। ऑप्शन है नगर अर्जुना,
ठीक है, अंधा, असंगा या पद्मा, पद्मा संभवा, ठीक है, क्या आंसर रहने वाला है गाइज यहां पर क्वेश्चन नंबर, फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो, 13 का आंसर यहां पर रहने वाला है, दैट इज पद्मा संभव जो है, पद्मा संभवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर करें, फटाफट गाइज आंसर करते रहें और इन सब चीजों को देखें, सीखें, आगे बढ़ते चलें। आगे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगले क्वेश्चंस जो दो आपको दिखाए जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन। किंग जो है खेरावाला का नाम सुना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, ठीक है। सो यहां पर बताएं कि किंग खेरावाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ, कहां पर रहती थी छेदी डायनेस्टी बताएं। और यहां पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुलिसकेन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द, किसके पुलिसकेन किसके रूलर थे। सर जितना एग्जाम नजदीक आ रहा है उतना डर सा लगता है, फिर प्रिपरेशन फुल हो के भी, ओके तो ये होता है, ये ह्यूमन फैक्ट है। तो आप एग्जाम को ना एग्जाम की तरह नहीं सोच रहे हो, इट्स लाइक के ये करो या मरो वाली स्थिति है, ऐसा नहीं है भाई साहब। आपको एग्जाम को एग्जाम की जगह पर रखना चाहिए, फिर क्या हुआ, प्रिपरेशन करना इज योर हॉनेस्टी, बाकी सिलेक्शन लेना इज इन नॉट योर हैंड। तो वो डिपेंड करेगा कि इस, अगर आप एग्जाम में फेल होते हो ना, तो उस एग्जाम से हमें सीखना ये है कि भाई साहब मेरे में कमी है, अभी मुझे में कोई कमी है तभी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अगले एग्जाम के लिए और जी भरकर मेहनत करो। तो हर एग्जाम हमें कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग टूट जाते हैं, टूटना नहीं होता है, सबक सीखना होता है जिंदगी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा गाइस, तो इसको कहा जाता है आपका कलिंगा, ठीक है। तो ये कहां के रूलर थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कलिंगा, और कलिंगा का अगर आज का नाम देखो तो ओडिशा स्टेट, जो आपकी ओडिशा स्टेट है ना, यहीं पर गाइस इसको कहा जाता है कलिंगा। और जेके पीएसआई में पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पूछा था कि बताओ कलिंगा जो है वो आज की कौन सी स्टेट है, इसी जगह पर ओडिशा में ही हुआ था कलिंगा वॉर, कल हमने कलिंगा वॉर पर क्वेश्चंस करे थे। और यहां पर देखो पुलिस केन जो है ये किस के कौन सी डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर थे, तो वो उस डायनेस्टी का नाम था चोलाकिया द बादामी, ठीक है, चोलाकिया बादामी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले शाबाश, ये होते हैं क्वेश्चंस आपको याद रखने वाले, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं गाइस, फटाफट आंसर करो, दो क्वेश्चंस आपके सामने, दैट इज उत्तरामेरियर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जो है एक जो हमारा उत्तरामेरियर है इंस्क्रिप्शन है उस पर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड हु वॉज द एम्बेसिडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया सेलिकस निकेटर, सेलिकस निकेटर ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। फटाफट गाइज यहां पर आंसर करें दो क्वेश्चंस का, काश स्कूल में अच्छे से पढ़ाया होता तो आज पूरी हिस्ट्री आ जाती, प्रदीप सिंह एक्चुअली में सही बात बोली आपने। जैसे आज मैं ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्रॉम क्लास 9th टू अप टू ग्रेजुएशन लेवल, जो बच्चे हैं उनको मैं किसी को हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटी, तो मैं उनको ना कोशिश करता हूं कि मैं उनको यही बोलता हूं कि भाई तुमको आगे जाके फिर ये चीजें फंसेंगी, तो अभी ना सीरियस होके पढ़ लो, बाद में फिर तुमको समझ नहीं आता है। अब जिसने 8th की हिस्ट्री पढ़ी है समझो उसकी आधे से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग है, आधे से ज्यादा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, 8th ही अगर आपने स्विक्स की बुक पढ़ी है तो आपकी पॉलिटी भी आ रहा है, बट नहीं पढ़ते भाई साहब हम लोग, तो क्या करें उस टाइम छोड़ दिया था। तो गाइस यहां पर राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहने वाला है सत्वाहनास, ठीक है सत्वाहनास, और यहां पर किसके द्वारा भेजा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। कल ही मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में एक चीज बोली थी, इनकी एक फेमस बुक थी दैट इज इंडिका, ठीक है इंडिका इज द राइट मतलब इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। बिल्कुल गाइज यही राइट आंसर्स हैं, शाबाश आगे बढ़े एंड सेशन को लाइक करते चले, लाइक करना इंपॉर्टेंट है, लाइक करके हम भी बूस्ट होते हैं। जैसे आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे जो मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको एग्जाम में, सोचिए इनमें से 10 क्वेश्चन डॉट दिखते हैं तो आपके अंदर की जो खुशी होगी ना वो खुशी मुझे अभी हो सकती है आपके सिंगल लाइक देखकर, मुझे क्या मेरे बॉस को भी होगी, वो भी बोलेगा कि नहीं बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे, नहीं तो हमको भी सुनना पड़ता है भाई, ठीक है आपको क्या लगता है यहां पर सुनना नहीं पड़ता, जोक्स है सुमित सर बहुत अच्छे हैं वैसे। चले गीता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू चोलाकिया किंग पुलिस केन सेकंड, कौन सा यहां पर जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चोलाकिया किंग के बारे में, जिनका नाम है पुलिस केन सेकंड, मास्की है, हाथी घुम्पा है, एहोल है या नासिक है गाइस, बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सच में सर आज पता चला रहा है बहुत रोना आता है, प्रदीप सिंह रोना छोड़ दो, रोना कोई सलूशन नहीं है, आजकल लड़कियां नहीं रोती भाई साहब, तुम लड़के होके रो रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है बस। और आर्मी अपडेट आप जो भी लिख रहे हो यहां पर वॉर अपडेट हिंदी में मत लिखो, थोड़ा
आ जाओ इंग्लिश की तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर करना है गाइज, यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का, फटाफट 18 का आंसर बताओ। ए होल इंस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश गाइज, गालिब साहब का यहां पर आंसर आया है, वरिंदर सिंह का आंसर यहां पर आया है, तनवीर वानी का आंसर यहां पर आया है, गोलू भी कहीं ना कहीं फॉर्म में आ चुके हैं। अब मुझे इनका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वेदर ही इज अ ही और इज अ शी, तो मैं क्या ही बोलूं, पर्सनली मैं गोलू ही बोलूंगा। चले क्वेश्चन नंबर 20 इज गाइज, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चन। विच ऑफिशियल वर अपॉइंटेड, कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था बाई अशोका टू टीच पीपल अबाउट धम्मा। धम्मा इज लाइक उनका एक मतलब एक नया रिलीजन काइंड ऑफ था, ठीक है। तो क्या है गाइज यहां पर, ठीक है, क्या रहने वाला है यहां पर आंसर गाइज। तो हाउ मेनी आश्रम वर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द टाइम ऑफ जैना एंड बुद्धिज्म। जैना और बुद्धिज्म के टाइम पर कितने आश्रम के बाद, जैसे ब्रह्मचार्य है ना, उसके बाद कौन सा होता है आपका ब्रह्मचार्य ना, फिर एक पढ़ने वाला होता है, फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हो, ठीक है, एंड देन और भी तीन चार होते हैं कि आपको कब, तो ये कितने होते हैं यहां पर। और यहां पर सबसे पहले आप बताओ किसको अपॉइंट किया गया था। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा, दैट इज धर्मा महामात्या, ठीक है, धमा महामात्या को अपॉइंट किया गया था ताकि वो अशोका की तरफ से जो धमा चलाया गया था उसको लोगों तक समझा सकते कि वो क्या है। एंड हाउ मेनी आश्रम वर रिकॉग्नाइज, तो जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, लिख दो यार जिसको पता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में बट मैं पढ़ रहा हूं आजकल इसके बारे में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है गाइज, यहां पर रहते हैं चार, ठीक है, चार, मैं कोशिश करूंगा याद करने की। एक होता है ब्रह्मचार्य, ठीक है, फिर होता है वन प्रस नहीं घृत घृयास्त्र है ना, कुछ ऐसा होता है ना, घृष्टास्त्र आश्रम, देन उसके बाद होता है वन पराशित आश्रम, एंड लास्ट में होता है सन्यासा, मतलब फिर आपने सन्यास ले लेना है सबसे, टाटा बाय बाय, जब आपकी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, ठीक है। चले चार ऑप्शन, चार होते हैं ब्रह्मचार्य, ठीक है। चले गाइज आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 22 दो क्वेश्चन। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी है बताओ भाई साहब। ब्रह्मचार्य घरिष्ठा है ना, हाँ यही है, वन परिष्ठता एंड सन्यासा, बिल्कुल डायनामाइट, फट गए आप यहां पर अभी, सही बोला आपने। सो आप पटाखा जो लेकर आए थे सही आंसर। तो बताएं यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है ये क्या है। सर ये याद ही नहीं रहता है, कोई बात नहीं बेटा याद आ जाएगा, अपने आप पर ले लो ना, अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका ब्रह्मचार्य चल रहा है, कोई आपको लड़की दे के राजी नहीं है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, है? तो वे ब्रह्मचार्य ही चल रहा है भाई साहब। अब इसके बाद जॉब लगेगी तो फिर आप आगे गृहस्थी वाले आश्रम में है ना, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बच्चे हो जाएंगे परेशान करेंगे, तुम उनकी शादियां वादियां करवाओगे तो वो चलेगा तुम्हारा कौन सा, वो फिर जंगल जाने वाला टाइम आएगा कि भाई साहब अब मेरे को जाने दो, बख्श दो मुझे, फिर उसके बाद लास्ट में आता है सन्यासा, इस दुनिया को छोड़ना, टाटा बाय बाय, तो हो गया तुमको याद। तो यहां पर बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें स्क्रिप्ट मिली है दैट इज अनडेसिफर्ड, मतलब उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए अभी तक, हम उसके बारे में समझ ही नहीं आया कि वो है कैसी भाई साहब। तो ये अनडेसिफर्ड है, मतलब वहां निशान बने हुए, ऐसे निशान बना है, ये निशान बना है, ये निशान, तो इस पे क्या पढ़ोगे बताओ। तो इसको हम अनडेसिफर्ड जो है वो किरार करते हैं। यहां पर देखो नाम द फेमस किंग ऑफ कुशन डेंसिटी, कुशन डेंसिटी के सबसे मशहूर किंग का क्या नाम था, तो गाइज ये बताने की जरूरत नहीं है, कनिष्का इनका नाम था, इसमें इनका नाम आ जाता है, बिल्कुल गाइज सही आंसर यहां पर सब बच्चों के आ रहे हैं। तो हंसते खेलते करेंगे, सीरियस होने वाली बात नहीं है भाई साहब, पढ़ो आराम से एंड मजे मजे से एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, आई विश सो। तो यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्तूपा, आपने बताना इनमें से कौन सी जगह पर स्तूपा नहीं है। एंड यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, प्लीज गाइज ये सब फालतू क्वेश्चन ही पूछा नहीं पूछे, पूछा सर से, अरे कोई बात नहीं पूछ सकते हो, सर मुझे वाइफ तो नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिली ये सबका हाल है भाई साहब, सबका हाल होने वाला है, तो इसलिए सपने सजाने हैं तो भाई साहब खुले आंखों से, सर आज कोई लड़की भी नहीं आएगी एग्री होती जॉब मत, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ये तो बात सही है। तो समझ लो भाई साहब कितनी मेहनत करना है, यहां पे तो मेहनत करनी करनी आगे जाके और, क्योंकि तुम जैसे बहुत सारे 1200 एसआई लगेंगे, तो 1200 एसआई के बीच में फिर वहां भी कंपटीशन है, तो देख लो कहां पर कंपटीशन। तो गाइज राइट आंसर रहने वाला है यहां पर रांची, ओके रांची इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शाबाश। जिन बच्चों ने रांची मार्क किया हुआ है तो वो बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, अगले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चलो एक फटाफट बताओ यहां पर क्या रहने वाला है गाइज आंसर, आंसर बताएं। द साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्धा इज मॉक्ड बाय अ मोनेस्ट्री, जो है यहां पर लिखा हुआ है रोमिंदी, पिलर ऑफ अशोकन मौर्यन स्टैचू, ए पीपल ट्री, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज वॉज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। फटाफट गाइज बताएं। सर मैंने मैंने बोला कि वाइफ नहीं मिलेगी,
मिल गई है मगर जॉब नहीं। ओके गेमिंग लवर, चलो मिल गई ना, एक समस्या पूरी हो गई ना, बस कोई बात नहीं भाई साहब, जॉब भी मिलेगी बीवी को। जब मार पड़ेगी ना बीवी से तो पता चल जाएगा भाई साहब, चलो जो भी है नहीं बोलेंगे आपको। तो गाइस यहां पर राइट आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 24 का राइट आंसर वाला होने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज अ रूमी नंदी पिल्लर अशोका मौर्यास पर हमें इनके बारे में पता चलता है, उनके बर्थ साइट पर के बारे में। तो यहां पर आंसर क्या है, ट्राइबल पीजन किसके द्वारा चुने जाते थे? तो समिति होती थी, समिति जुड़कर क्या बनाती थी, सभा, सभा मिलकर जो है गना मिलाकर समिति बनती है, समिति बनकर सभा बनती है, सभा से विधाता बनता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ रहे गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, लकी यू और मिस्टर जिसने बोला अभी यार यहां पे, तो बताओ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रियाज हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी? कब थी क्षत्रिया की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, बिल्कुल अलग से अपनी आइडेंटिटी जो बताते थे? योर ऑप्शंस आर देयर, दैट इज एज ऑफ बुद्धा, मौर्या पीरियड, पोस्ट मौर्यास, गुप्ता पीरियड। गाइस क्या आंसर रहने वाला है यहां पर, ठीक है? तो यहां पर क्या आंसर रहने वाला है 26 का, तो एज ऑफ बुद्धा के टाइम पर, देखिए एज ऑफ बुद्धा के टाइम पर ना क्षत्रिय जो है वो पीक लेवल पर चले गए थे, क्योंकि इन्हीं क्षत्रियों ने फॉर्म किया बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसके खिलाफ, ब्रह्म जो है ब्रह्मिज्म ऑर्डर के खिलाफ, ब्रह्मनिज्म के खिलाफ जो है इन्होंने कहा कि इन ब्राह्मण लोगों ने सोसाइटी को खराब करना स्टार्ट कर दिया है, सो वी विल मतलब यू नो फाइंड अ न्यू प्लेस, जहां पर एक नया तरीका निकालेंगे दुनिया में सर्वाइव करने का। चले आगे बढ़े गाइस अगले दो क्वेश्चंस। हाँ दैट इज आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज, क्यों आए थे भाई साहब बताएं फटाफट यहां पर आंसर करें, एंड देन बताएं द टर्म उपनिषद लिटरली इंप्लाइज, उपनिषद किस बारे में होते हैं, फटाफट गाइज आंसर करें यहां पर कि क्या रहने वाला है। फटाफट गाइज आंसर करें इसका, शाबाश गाइज जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर एज ऑफ बुद्धा लिखा है, सो वेल डन गाइज, बहुत सही आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहा है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अगले दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 का, कि यहां पर जो चाइनीज पिलग्रिम आते थे सिर्फ एक बात को लेकर, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे बुद्धिज्म में, उनको बुद्धिज्म एक बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा रिलीजन लगा, सो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंडिया एंड दे स्टार्ट यू नो इसके बारे में और जानने वाले। और टर्म उपनिषद का मतलब क्या होता है, सिटिंग नियर, सिटिंग नियर किसके, गुरु के बैठ जाओ या किसी के, तो उसके पहले क्या होता था जो नॉलेज होता है ना, उपनिषद का सिंपल मतलब पता क्या समझाओ तुमको, गुरु मंत्र पता है ना आपको, अब जितने भी टीचर्स होते हैं ठीक है, टीचर के लिए सब बच्चे बराबर, जैसे अर्जुन महाभारत की हम बात करें तो सब पांडव और कौरव जो है उसके उनके गुरु के लिए द्रोणाचार्य के थे ना उनके गुरु, है ना, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के लिए सब गुरु बच्चे एक जैसे थे, बट जब द्रोणाचार्य एंड में थे, जब उन्होंने देखा कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन से हैं, तो उन्होंने उनको ना स्पेशल जो वो टीचर अकाउंट, जैसे मैं हूं ना, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बट जो मुझे लगता है कि नहीं ये पढ़ने वाला बच्चा है जो मेहनत कर रहा, तो मैं उसको गुरु दक्षिणा क्या दूंगा, मतलब उसको गुरु ज्ञान यही दूंगा कि भाई साहब ये ले 10 PDF तुझे एक्स्ट्रा, ये भी पढ़ लेना। तो वो गुरु जो है ना, वो जो गुरु मंत्र है, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। आप कैसे एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, एंड व्हाट एक्चुअली हिंदुइज्म इज, हिंदुइज्म क्या है, अगर आप अलग अलग लोगों से पूछोगे ना, अलग अलग लोग अलग अलग मतलब बताएंगे, लेकिन हिंदुइज्म के बारे में सही में लिखा हुआ है उपनिषद के अंदर, पढ़ लो इसको जाकर, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज है। चलो गाइज आगे बढ़ रहे हैं, अगले दो क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज द सेज हु इज सेड टू हैव ऑर्गेनाइज साउथ इंडिया वॉर, जिसने पूरे साउथ इंडिया को ऑर्गेनाइज कर दिया था, उनका क्या नाम था, और व्हाट डज त्रिरत्ना इंडिकेट इन बुद्धिज्म, त्रिरत्ना का मतलब क्या है बुद्धिज्म के अंदर, फटाफट गाइज यहां पर आंसर करो एंड सेशन को लाइक करो। यार बच्चे पता नहीं क्यों नहीं क्लास में आते हैं यार, या तो डाटा खत्म हो जाता है यहां पर, या तो कुछ और इशू है यहां पर, ठीक है, आसपास बैठना गुरु के, आसपास नहीं भाई साहब साथ में बैठना, आसपास दिखना भी तो चाहिए, आसपास नहीं सिटिंग नियर, बिल्कुल पास में, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो, तो ये भी उपनिषद का ही सिस्टम है। सर लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू मलिक साहब। तो गाइज यहां पर याद आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर है अगस्त्या, अगस्त्या इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगस्त्या। एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है यहां पर विनय पत्तिका, सुता पत्तिका, अभिधर्मा पत्तिका, ये तीन जो है त्रिरत्ना है, किनके इंडिकेट करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। चलो शाबाश आगे बढ़ो गाइज, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चले शाबाश, बहुत सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर मार्क कर रहे हैं। आगे बढ़ो, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलियोन, देखिए सिलियोन क्या है दोस्तों, तो सिलियोन ना आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, इट इज श्रीलंका, श्रीलंका का पहला नाम था सिलियोन,
ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, इट्स सेलियन गाइस। तो यहां पर उन्होंने, अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाया था इंडिया में और श्रीलंका में, टीचिंग द थ्री रत्ना स्टैंडिंग द धर्म महामत जो है महामतराज को भेजकर वेजिंग वॉर्स, वॉर लड़के या बिकमिंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो उसका धम्मा था, अशोक ने धम्मा बनाया था ना, धम्मा, तो उसी धम्मा को फैलाने के लिए उसने एक पोस्ट क्रिएट की थी थोड़ी देर पहले, हमने उसके बाद पढ़ा। तो उन्हीं वही धम्मा इनकी जो रिलीजन है उसको सेपरेट करेंगे, तो ही स्टैंडिंग द धम्मा महामत जो है महामतराज को भेजा था, चाइना भेजा था, श्रीलंका भेजा था कि जाओ और वहां पर जाकर इस धर्म का प्रचार करो, तभी तो लोग खुश हुए थे बुद्धिज्म से। और यहां पर देखिए, नियर विच रिवर वॉज द मोस्ट ऑफ देन ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वर सिचुएटेड। ऋग्वेदिक सिचुएटेड कहा जाता है कि जब ऋग्वेद इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मतलब टेक्स्ट है, जिसके बारे में तो हम डेट भी नहीं बता सकते एक्चुअली, तो यहां पर ये पूछ रहा है कि बताओ ये कौन से रिवर के पास में ये लोग रहते थे। हाँ, सेंडिंग हिज डॉटर, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बेटी को भेजा था। तो गाइज ये रहते थे सरस्वती रिवर। आज हम देखें तो सरस्वती रिवर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती गाइज, क्योंकि फ्लडिंग की वजह से दिस रिवर लॉस्ट हिज चैनल। ठीक है, तो अपना पूरा ड्रेनेज बेसिन जो है ये रिवर खो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो गाइज, दो क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज 33, 34, और क्वेश्चन का आंसर करो। यहां पर पूछ रहे थे अर्लिएस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, बताएं बताएं गाइस यहां पर क्या आंसर आने वाला है, कि जो पहली सेटलमेंट हुई थी आर्यन ट्राइब की वो कहां पर हुई थी, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्ता सिंधु या दिल्ली। गाइस तो कहां पर हुई थी, देखिए सप्ता सिंधु, सप्ता सिंधु का मतलब होता है सात रिवर, लैंड बिटवीन सेवन रिवर्स, सात रिवर्स के बीच में। तो गाइज ये कहां पर सेटल हुए थे आर्यन, सप्ता सिंधु है ना, सप्ता सिंधु इज द राइट आंसर। सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस और इन्होंने सप्ता सिंधु में अपनी जगह बनाई, बिल्कुल सप्ता सिंधु इज राइट आंसर। और बताएं पंचसिद्धा सिद्धांतम जो है ऑफ वह जो वराहा माहिरा है उनके बारे में बताना है आपने, डील्स विद, ये किसके साथ है, किसके साथ डील करता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन या एस्ट्रोनॉमी। गाइज बताएं यहां पर राइट आंसर क्या है। तो गाइज ये करता है मैथमेटिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के साथ डील करता है ये। ठीक है, याद रखेगा वहरा महिरा। ठीक है गाइज, वहरा महिरा किसके साथ डील करता है इस गाइज, ये देखिए पंच सिद्धांता है ये इसका नाम। ठीक है, पंच सिद्धांता, सिद्धांत होता है मैथ और पंचा इज लाइक एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चले आगे बढ़े गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, 36, दो, that is which one of the following coins was issued in silver during the Gupta period। Gupta period में जो हमें coins उस time पर mint करके मिलते हैं, जो हमें वहां पर मिल रहे हैं, तो भाई साहब यहां पर आपने बताना है कि आपको वो किस नाम से वो जानने को मिलते हैं। Who is Adil sir by the way? चलें तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है गाइस, तो इट्स रूपका। ठीक है, रूपका ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रूपका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तोल कप्तयम। ठीक है, तोल कप्तयम इन संगम एज इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, किसमें लिटरेचर, संगम एज इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, तमिल में है, तेलुगु में लिखा गया है, संस्कृत या कन्नड़ में लिखा गया है। गाइज बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है गाइज यहां पर, इट्स गाइज इट इज रिटन इन द तमिल ग्रामर। ठीक है, ये तमिल में लिखा गया है। ठीक है, तमिल ग्रामर में लिखा गया है, तमिल इज द राइट आंसर। सर वो पता फट ज्योग्राफी जिसने लिखा है वो, अरे क्या बोल रहे हो पता नहीं। चलो गाइज आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले दो क्वेश्चन आपके सामने फटाफट गाइज, आगे दो क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। दैट इज व्हेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर्स सुंग यन कम टू इंडिया, सुंग यन कब इंडिया आए थे, और आपने बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट जो है उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड, ये कहां पर सिचुएट करता है। दो क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर करो क्या आंसर रहने वाला है गाइज यहां पर, तो फटाफट आंसर करो इन दो क्वेश्चन के। तो गाइज यहां पर 37 का आंसर रहने वाला है, 37 का आंसर यहां पर रहने वाला है, 518 एडी में ये इंडिया आए थे। एंड यहां पर पूछ रहा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड, तो ये कहां सिचुएटेड है गाइज, ये सिचुएटेड है बिहार के अंदर, ये पहले सिचुएट करता था बिहार के अंदर। बिल्कुल, जो बच्चे यहां पर राइट आंसर चुन रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश गाइज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट महा 16 महाजनपदास।
और हु वॉज द कंटेम्परेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धना. हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. तो हर्षवर्धना जब इंडिया में रूल करते थे नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ में किसका रूल था और कौन से बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपदास के बारे में. तो यहां पर है दिघा नायका, सुता पत्तिका, अंगुत्रा नायका, विनय पत्तिका. गाइज बताएं यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका. तो गाइज इसका राइट आंसर रहने वाला है दैट इज अंगुत्रा नितिका. इसके बारे में हम निकिया इसके बारे में हमें बताता है. एंड यहां पर है हु वॉज द कंटेम्परेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धना. तो भाई साहब यहां पर 40 का आंसर क्या रहने वाला है, इट वॉज पुलिस केन सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. शाबाश. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. अगले दो क्वेश्चंस आपके सामने. सेशन को लाइक करें एंड कमेंट करते रहें अपने राइट रॉन्ग जो भी आंसर्स हैं, एंड देन आंसर करें बाद में कि आपके कितना स्कोर रहा. दो क्वेश्चंस और आपके लिए एंड दो क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा रहे हैं. फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूटास. आपने बताना इनमें से जो लास्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है राष्ट्रीय कुटास का. क्या उन्होंने कैलाश टेंपल बनाया, पंपा, पोना, रन्ना, द थ्री राइटर्स ऑफ द कन्नड़ पोएट्री एंड कैलाशा टेंपल, या प्रोटोनेज ऑफ जैनिज्म, या कॉन्क्वेस्ट इन्होंने बहुत ज्यादा करा है. तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या रहने वाला है. और यहां पर बताएंगे रवि कृति, अ जैन हु कंपोज द ए होल पराशिति वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय, किसके द्वारा इसको बनाया गया था, किसके कहने पर बनाया गया था. तो गाइज राइट आंसर क्या रहने वाला है यहां पर 41 का ऑप्शन रहेगा टू, दैट इज पंपा, पोना, रन्ना, जो है ये तीन राइटर थे. और साथ ही साथ कन्नड़ पोएट्री को इन्होंने अपग्रेड किया, साथ ही साथ कैलाश टेम्पल को भी. और यहां पर 42 का जो आंसर रहने वाला है दैट इज पुलिस केन सेकंड. पुलिस केन सेकंड के कहने पर बना था ये इंस्क्रिप्शन, जिस पर के इन्होंने अपने टाइम की इंफॉर्मेशन लिखवाई थी. बिल्कुल सही जो बच्चे यहां पर आंसर मार्क कर रहे हैं. आगे बढ़ो गाइज अगले दो क्वेश्चन. दैट इज ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट्स एंड एडिटर ऑफ द कौटिल्यास अर्थशास्त्र वाज. देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ अर्थशास्त्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है. तो चाहे चाणक्य का नाम लो, चाहे जो है आप लोग यहां पर कौटिल्य कह दो, एक ही बंदे का नाम है. तो यहां पर आपने बताना है कि ओरिजिनल फाउंडर कौन है मैनुस्क्रिप्ट के और एडिटर कौन है कौटिल्यास के अर्थशास्त्र के. श्री श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास आयंगर, आर जो है श्यामेस्त्री, या गाइज विलियम जॉन्स यहां पर रहने वाले. और यहां पर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड एंड अडॉप्टेड इट्स सिंबल. हमने किस गवर्नमेंट से बहुत सारे अपने गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट में अपने बहुत सारे सिंबल्स को एड ऑन किया है, तो वो कौन सी है गाइज. तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कर दो. तो गाइज यहां पर राइट आंसर रहेगा आर श्यामा शास्त्री जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है. और गाइज यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो अशोका के टाइम से हमने बहुत सारे सिंबल, जैसे वो जो दो शेर, चार सर वाला जो शेर है वो, उसके बाद अभी हमने जो धर्म चक्र के बारे में पढ़ा वो, और भी बहुत सारी चीजें हमने अशोका के टाइम से जो है वो लाई हुई है. आगे बढ़ो गाइस, अगले दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे आपको. दैट इज क्वेश्चन नंबर 46, 45 एंड 46. फटाफट इनके भी आंसर्स कर दो, क्या आंसर्स रहने वाले हैं. सही बोला सर, दुनिया से अरे वाकया कोई तो होगा भाई साहब. 6th century BC was an age of, 6th century BC की जो एज थी ये किसकी एज थी, रीजनिंग की, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, पॉलिटिकल अनरेस्ट, या रिलीजियस फ्रेगमेंट. तो देखिए गाइस 6th century में हम कहते हैं ना बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, ये सब आना शुरू हो गया था. जैनिज्म आना शुरू हो गया था. कभी आपने पढ़ा है कि ये चीजें क्यों आई थी, व्हाई बुद्धिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है सर, ये क्वेश्चन कहां से लाए, जेब में थे मेरे, अभी उठा के लाया हूं, इधर चिपका दिए बोर्ड में, कहीं से तो लाया होगा यार. तुम आम खाओ, गुटलियां गुनने में तुमको क्या है यार. ठीक है चले. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑस्ट इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू फ्रॉम मोहनजोदारो. मोहनजोदारो से जो डांसिंग गर्ल की फिगर हमें मिली थी उसको वापस करने की बात की गई है किसी देश के द्वारा, वो देश कौन है. तो भाई साहब यहां पर देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है ना ये 6th century में आया, तो इसका मतलब यहां पर रिलीजियस फ्रेगमेंट बनना शुरू हो गए थे. बुद्धिज्म इसलिए आया है, जैनिज्म इसलिए आया है क्योंकि डोमिनेशन जो है सोसाइटी के अंदर, जो ब्राह्मण थे उनकी डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो गई थी. वो कह रहे थे कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो क्षत्रियों ने फिर उसका हल क्या निकाला, एक अलग रिलीजन बनाना शुरू कर दिया. कहा कि नहीं भाई साहब ये हिंदुइज्म आपने इसको खराब कर दिया. तो यहां पर क्या आंसर आने वाला है, पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ने कहा है ठीक है कि भाई साहब जो आपको मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली है उसको हमें वापस कर दो, हमें वो चाहिए भाई साहब. चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चंस और आपके सामने, बल्कि तीन क्वेश्चंस आपके सामने दिखाए जाएंगे आपको. दैट इज 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया.
हिंदुस्तान में जैनिज्म जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, एंड दूसरा क्वेश्चन यहां पर है हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतत्रा, पंचतत्रा की जो टेल्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सर करेक्ट इट, क्वेश्चन नंबर 45 कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है रिलीजियस फ्रेगमेंट ही था, क्योंकि सिक्स सेंचुरी में ही बुद्धिज्म आया, सिक्स सेंचुरी में जैनिज्म आया। तो ये देख रहे हो आप, ये सब जो है इन्होंने हिंदुइज्म डोमिनेशन को, ब्राह्मणिज्म को अपोज किया कि नहीं भाई साहब हम तुम्हारे तुम्हारे जो ये तौर तरीके, क्योंकि पंडित लोग ना इनको हर तरह से गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं क्षत्रिय को कि भाई साहब नहीं हम होंगे तो हम ही तुम्हारे, वी आर द यू नो मतलब एजेंट ऑफ गॉड इन अर्थ, तो हम जो बोलेंगे वही होगा। तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, तो बिल्कुल ये यहां पर रहने वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या रहने वाला है, तो महावीरा, इसमें कोई शक नहीं है, महावीरा इसका राइट आंसर रहने वाला है। और हु कंपाइल द टेल्स ऑफ पंचतत्र, तो विष्णु शर्मा यहां पर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। एंड अजंता केव्स वाज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में अजंता की केव्स को बनाया गया है, हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके साथ। तो गाइज यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज 49 का, तो गुप्ता पीरियड में जो है ये इनको बनाया गया था। बिल्कुल सही सर, आपके पता फटाफट कहनी से हमको आदिल सर की याद आती है। बस भाई साहब रो मत देना, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो याद आती है तो उनको कॉल किया करो, उनका हाल पूछा करो सर का, अगर आपको सर से इतना ही प्यार है तो सर के हाल पूछा करो, उनके बारे में उनको उनके लिए दुआएं किया करो। तो चले आप यहां पर उनका नाम ले रहे हैं, जो भी वो सर हैं हैप्पी रहे, वो खुदा उनको सलामत रखे। एंड चले गाइस आगे पढ़ते हैं। सर ये आदिल सर कौन है, मीर रिजवान होंगे सर, कोई पढ़ाने वाले गुरु हैं, तो सर जिनके साथ लग गया तो समझे ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ रिएक्शन टू रौलट एक्ट वॉज ऑर्गेनाइज एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, ठीक है। रौलट एक्ट को हमने कहा था कि ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्ट था, क्योंकि इसके अंदर ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो आपको यही बताना कि ये कब हुआ था। सर ये शू ये कुछ शू आदिल सर मैग से आप भी लव हो वाकया। चले तो गाइज यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बता दें, 50 का आंसर क्या रहने वाला है, तो 50 का आंसर रहने वाला है 6th of April 1990 को हम लोग ह्यूमिलिएटिंग डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920, 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, क्यों और किसके साथ इनजस्टिस हुआ था, तो इनजस्टिस हुआ था टर्की के सुल्तान के साथ, और उनको उनको उनकी गद्दी पर वापस लाने के लिए, उनको उनकी पोजीशन वापस लाने के लिए अली ब्रदर्स के द्वारा इंडिया में स्टार्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट गाइज 1920 के टाइम पर। चलो आगे बढ़ो गाइज, अगले दो क्वेश्चन आपके सामने। सिपाही म्यूटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसी को हम सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, और यहां पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत याद होगी आपको, डेट होगी 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी गाइस, तो मेरठ से हुई थी, याद कीजिए इस चीज को, बिल्कुल मेरठ जो है इसमें राइट आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश को जब लिबरेट करना था, उनको आजादी देने की जब वॉर छिड़ी थी, तो उस टाइम पर जो है आर्मी के चीफ कौन थे, रॉय बर्चर थे, रॉब लॉकहार्ट थे, कैंप जो है करलप्पा थे, सैम जो है सैम मनेक शॉ थे गाइस। तो क्या आंसर रहने वाला है यहां पर, सो गाइस राइट आंसर रहने वाला है सैम मनेक शॉ, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश, चले क्या आंसर्स लिखे हैं सब लोगों ने। बट गाइस एक चीज है कि आप लोग ना पढ़ तो लिया है आपने, बस आपके अंदर कमी किस चीज की है, आप लोगों के कॉन्फिडेंस की, आप लोग कॉन्फिडेंट जो है ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो गया है। सो कोई बात नहीं, उसको भी हम बूस्ट करने की बात करेंगे। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल गांधी जो है कैदे आजम, कैदे आजम किसको कहा जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पोर्तुगीज इन द किस, कौन से बैटल में हराया था। तो भाई साहब बताए कैदे आजम जो है वो किसको कहा जाता है, सो गाइज यहां पर आपको पता होना चाहिए 54 का आंसर, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, कायदे आजम का टाइटल इनके साथ जोड़ा जाता है, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को हराया था बैटल ऑफ स्वेले में। बैटल ऑफ स्वेले कब हुई है, अगर आप इसकी डेट जानना चाहते हो, मतलब कौन से साल में, तो ये हुई है 1612 ईस्वी में, ये डेट याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है, बैटल ऑफ प्लासे भी आपको पता है। चले आगे बढ़े गाइज, बहुत बार इन क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इन पर, आगे बढ़े गाइज, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए।
Tipu Sultan and British East India Company signed the Treaty of Mangalore in the year. टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उनके बीच में आपने देखा बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई है. ट्रीटी ऑफ मैड्रास इज देयर, ट्रीटी ऑफ जैसे ये कह रहा है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इज देयर. तो बहुत सारी ट्रीटीज हुई है बट यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो कौन से साल में हुई थी. तो ऑप्शन यहां पर है गाइस, देखिए ये ट्रीटी साइन हुई थी 11 मार्च का टाइम था और साल क्या था गाइज, इन्हीं में से एक साल था, दैट इज सिक्स आपका 1784. ठीक है 1784. ऑप्शन टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 147 पीपल आर वॉचिंग दिस सेशन बट किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कि लाइक कर दे. आप इतना करके तो हमारे लिए हमारा भी फर्ज बनता है. रजनी चंदन, थैंक यू सो मच रजनी, बट ये हाथ देख रहे हो मेरा, ये उंगलियां कैसी है, बराबर नहीं है ना, वैसे सब लोग बराबर नहीं होते हैं. तो चले हम इनको इग्नोर मारते हैं, कोई बात नहीं है, जितनों ने किया उतनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा. तो चले यहां पर देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी. सो अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, देखिए इसको स्टार्ट किया गया 1857 में. 1857 इसका साल था, 75 इज देयर 1875 एंड सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था. सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम जो है वो स्टार्ट किया गया था. बिल्कुल रेस्पेक्ट ऑल टीचर हु प्रोवाइड अस फ्री कंटेंट. अच्छा रेस्पेक्ट करना तो बनता है. अगर तो होता मैं सफेद दाढ़ी वाला, मेरे बाल व्हाइट होते, मैं पूरा मतलब ऐसे अंकल टाइप दिख रहा होता तो फिर आप लोग रेस्पेक्ट करते. अभी बहुत सारे बच्चे ना मतलब मेरे ही एज के हैं, मेरे ही क्लासमेट मेरे से जो है, हम लोग जो है जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं तुमसे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं एंड बट डोंट वरी. ठीक है धीरे धीरे एंड आगे बढ़ेंगे. ठीक है चलो आगे बढ़ो गाइज. ठीक है तो यहां पर राइट आंसर करते रहे एंड क्या आंसर है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बंगाल इन 1876. ठीक है तो यहां पर क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट कर दो. क्लास स्टार्ट होते टाइम ही लिख लिया ही लाइक किया जी सर. बिल्कुल अंकुश सही बात बोला आपने, क्या हुआ है सर, सर मैंने कसम कर दिया है. ओके 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 सर, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज. मीर रिजवान, हम लास्ट में ना इन पूरी जितनी भी वीडियोस हैं इनको कंपाइल करके एक पूरा वीडियो बनाएंगे और उसी को आपको दे देंगे. ठीक है ऐसा टेंशन मत लो आप. सर हमने लाइक कर दिया है, बिल्कुल लाइक करें और शेयर भी करें यार प्लीज, मेरे जो डोडा के बच्चे हैं प्लीज यार उन बच्चों तक पहुंचाओ जो दूर बैठे हुए. चलें गाइस, आधों को तो मैं कर रहा हूं, रोज उनको बोलता हूं भाई पढ़ लो. ठीक है तो चलो गाइस यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर यहां पर रहेगा, इंडियन एसोसिएशन. याद होगा आपको, पढ़ा भी है इसके बारे में. इंडियन एसोसिएशन इज देयर एंड विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ साराघरी जो है वो हुई थी. तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है. तो साराघरी जो है ये हुई है 12 सितंबर, डेट है 12 सितंबर, और साल कौन सा है गाइस, साल है यहां पर 1897 जो है यहां पर राइट आंसर है गाइस. शाबाश गाइस, 60 क्वेश्चंस आपने कंपाइल करने पर आप आ चुके हो. आगे बढ़ रहे हैं गाइस, अगले दो क्वेश्चंस और आपके सामने. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉस्ट नवाब ऑफ अवध, नवाब कौन थे अवध के लास्ट, उनका नाम बता दे. एंड यहां पर आपको बता दें कि जेके एग्जाम क्रैकर एसएससी अड्डा 247 इज द बेस्ट. ओके आई एम शेयर इन कश्मीर, बिल्कुल दो तीन में भी कर देता शेयर. ओके 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 सब लोग करें यार. देखिए उन लोगों को मिलेगा ना, और उनका एग्जाम गलती से निकल गया ना, तो उनकी मन से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए. तो हो सकता है कि गलती से कभी आपके एग्जाम में कोई आपको मतलब हेल्प भी कर दे. तो गॉड कहते हैं कि एक दूसरे की मदद करो तो अभी जाकर तुमको भी जो है कुछ मिलेगा. तो भाई साहब यहां पर बता दो 60 का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कौन से जो है लास्ट नवाब थे अवध के, और नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना पोर्ट इंडिया में कौन था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था. चार ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन करो. तो यहां पर राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 60 का गाइस, तो मिर्जा वाजिद अली शाह इज द राइट आंसर. मिर्जा वाजिद अली शाह जो है यहां पर राइट आंसर रहने वाले हैं. एंड गाइस 61 का आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, वो है गाइस कोलकाता पोर्ट. कोलकाता का पोर्ट ना अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कहां पर है, कोलकाता में. हाथ जोड़ता हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं
क्या आपको पूछेगा बताओ जी कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर रखे सर सिलेक्शन हो गई ना इस बार तो आपके यूट्यूब चैनल को बूस्ट करवा दूंगा, हाँ आपकी पहली सैलरी हमारी, ठीक है, तो आप डोनेशन में दे देना हमें, ठीक है, चले हम गरीबों में बांट देंगे। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62-63, द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ द बरोडली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाई, किसके द्वारा चलाया गया था, यहां पर बताएं। देखिए रियासी से भी लोग देख रहे हैं, अपने अपने बारे में लिखो जो जहां से वीडियो देख रहा है, चलो आपको बता दीजिए, सब लिखो आंसर भी करो और बताओ कौन कहां से देख रहा है। जैसे वरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वॉचिंग फ्रॉम रियासी, चले गाइस आप भी बताते चलो। सो यहां पर बताइए कि बरोडली जो गुजरात में चल रही थी मूवमेंट फॉर्मर्स की वो किसके अंडर में चल रही थी, ठीक है। एंड गाइज दूसरा जो है यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भी आपके साथ डिस्कस किया, तो टीपू सुल्तान इधर आंसर बनेगा इसका, बिल्कुल टीपू सुल्तान यहां पर आंसर बनेगा 63 का, और 62 का क्या आंसर बनेगा, वल्लभ भाई पटेल, यस वल्लभ भाई पटेल इज देयर, फटाफट आंसर करो। ओके 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 ओके, डोडा कुपवाड़ा शाबाश, भद्रवा पारसपुरा पता है, ये देखिए कहां कहां से बच्चे, कुलगाम सर पुंछ फ्रॉम जबलपुर, क्या बात है, रिजोरी डोडा, भाई साहब डोडा वालों अगर ये वीडियो सब तक नहीं पहुंची ना तुमको पाप चढ़ेगा, याद रखना डोडा वाले जम्मू से भी हैं लोग। एंड फटाफट गाइस यहां पर अपने बारे में लिखते चले, देखिए मस्ती से पढ़ो तो मजा भी आता है। बारामूला यस, जम्मू जम्मू जम्मू, गांदरबल यस, कश्मीर, करगिल वेरी गुड, करबला करगिल से, कठुआ अनंतनाग कुपवाड़ा भद्रवा सांबा बांडीपुरा बारामूला कश्मीर कठुआ अनंतनाग जम्मू डोडा पुंछ, ओ भाई साहब क्या बात है, हंदवाड़ा वॉचिंग फ्रॉम गैलेक्सी नंबर जिमी एक्स, यू आर नॉट, बहुत ही शरारती होता हूँ, वॉचिंग फ्रॉम करगिल सर करबला, ओके थैंक यू फ्रॉम करगिल, करगिल से भी सपोर्ट है। चले बताएं ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑक्यूपाइड बाई, मुझे सबसे अच्छे लोग लगते हैं लद्दाख के, बहुत ही कूल काम शांत किस्म के लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कभी जॉब लगे ना तो मेरी पोस्टिंग लद्दाख में हो बस। चलो गाइस यहां पर बताएं गाइस अगला क्वेश्चन है द मदर ऑफ महात्मा गांधी का नाम क्या था, दो क्वेश्चन आपके सामने आंसर भी करो, डायनामाइट फ्रॉम किश्तवाड़, बिल्कुल किश्तवाड़ भी बहुत अच्छी जगह है, तो चलें गाइस यहां पर राइट आंसर बताएं, 64 का आंसर यहां पर रहने वाला है, दैट इज बेंजामिन डिज़राइल जो है यहां पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और भाई साहब यहां पर इनके नाम है पुतली बाई, ठीक है, पतली बाई नहीं याद रखना, इट्स नॉट पतली बाई पुतली बाई, ठीक है पुतली, यस सर उधमपुर, शाबाश 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 शाबाश, सब लोग जो हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ना गरीब बच्चों के साथ, ये गरीब बच्चे तो कोई नहीं होता भाई साहब, सब ऐसे ही शक्लें बनाते हैं गरीबों वाली है, खाने पीने पे बारी आई तो डोमिनोज और केएफसी से नीचे कोई उतरता नहीं है, बट चलो हमारे लिए तो आप करी गरीबी सही। सर हम कश्मीर के भी अच्छे हैं, कश्मीर तो भाई साहब दिल है, कश्मीर तो जान है अपनी, तो चले 1872 लॉर्ड मायो द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज एसेसिनेटेड इन, कहां पर एसेसिनेट हुए थे, शेर अली इसमें इन्वॉल्व थे, याद होगा आपको मेरे लाइफ की जो टीचिंग का कैरियर जो शुरू हुआ है ना वो कश्मीरी बच्चों के साथ हुआ है, मतलब आज से 2015 में मैंने पहली बार ट्यूशन का जो स्टार्ट किया था, एंड आई वॉज टीचिंग क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, सब कश्मीर के बच्चे, और इतने मस्त बच्चे उन्होंने, मतलब कभी ऐसा फील नहीं करवाया, पढ़ते नहीं थे मस्ती सब बातें करो क्लास में, और पर मार्क्स भाई साहब तोबा तोबा 80-90% लाए उस टाइम पर, ठीक है, और नाम मेरा रोशन किया, मैं बड़ा खुश था। और यहां पर आपने बताना कि विच ईयर वाज द सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव, देखिए गाइस यहां पर याद रखेगा सत्य शोधक समाज किसके द्वारा बनाया गया था, ज्योतिराव फुले के द्वारा, यार ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ ज्योतिराव फुले के द्वारा कौन सा और मतलब बनाया गया था कौन सा उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखेगा यहां पर। सर आपके पोस्टर लगा है प्लूटो प्लैनेट से भी, वेरी गुड टीचर, थैंक यू सो मच। तो लॉर्ड मायो पोर्ट ब्लेयर में मारे गए थे, शेर अली इन्वॉल्व थे, कभी कभी ना पोर्ट ब्लेयर नहीं लिखा होता है, अंडमान निकोबार लिखा होता है, तो अंडमान निकोबार ही लिखकर आ जाना, ठीक है। और यहां पर इन विच ईयर सत्य शोधक समाज जो है उसको बनाया गया था, 67 का आंसर है, तो इसको बनाया गया है 23 सितंबर 1873 में, 1873 में कहां पर, तो पूना में, ठीक है याद रखना, कभी कभी जगह का नाम पूछ देता है, कभी डेट पूछ लेता है, कभी पूछ लेगा कुछ भी, तो इसके बारे में जो है प्लीज सही आंसर करना।
ओके अन आरू चंबियाल, आरू चंबियाल माई सर नेम इज ऑल्सो चंबियाल, मैं भी चंबियाल हूँ बोल ठीक है। तो खुशी हुई कोई इस दुनिया में, मैं सोचता था हम भी चंबियाल मतलब चंबियाल है, इट्स चंबियाल गाइस, राजपूत फ्रॉम चंबा, तो मैं चंबा से हूँ। चलो आगे बढ़ो, 68 का आंसर बताइए यहां पर, द कोट द शॉट द शॉट्स दैट हिट मी और द लॉस्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, किसके बोले गए ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स को जरा भापो एक बार क्या लिखा हुआ है। सर कश्मीर भी पसंद है और कश्मीरी भी, बिल्कुल खासकर कश्मीर के सेब। सर इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस बिल्कुल महबूब हुसैन, वो चीजें भी आप तक मिलेंगी आपको, पर थोड़ा सबर कीजिए, थोड़ा सबर कीजिए। ओके सोनिका भगत वॉचिंग फ्रॉम कठुआ, थैंक यू सो मच सोनिका, वॉचिंग फ्रॉम एसके कॉलोनी अनंतनाग। ओके ओके भाई साहब चंबा हिमाचल प्रदेश, यस जो चंबा का चौगान है वो हमारा है। तो यहां पर बताओ किसके वर्ड्स थे, तो ये थे लाला लाजपत राय के, ठीक है। सो लाला लाजपत राय के बोले गए ये वर्ड्स थे, ऑप्शन यहां पर रहने वाला है लाला लाजपत राय। वेरी गुड गाइस, शाबाश, ऐसे ही आंसर करो सब, आप तो डोडा से हो। हमको भी लाया गया था किसी टाइम पर ना, वहां पर एक बहुत बड़ी कहानी है भाई साहब, किसी दिन आना सुनाऊंगा तुम्हें। तो यहां पर बताया जाए यहां पर 69 एंड 70 का आंसर क्या है, तो 69 पूछा है द कोट बॉम्ब्स और बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, हथियार और बंदूक जो है वो कभी भी आजादी या चेंज नहीं ला सकते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, ये किसके बोले गए वर्ड्स हैं, ये किसने बोला था गाइज, और ये आप गेस कर लोगे ना तो आप बोलोगे हैं ऐसा भी हो सकता है। सर फ्रॉम बसोली, आपने रीड नहीं किया, मधुबाला, ओके ओके हाँ मधुबाला बसोली से देख रहे हैं, बनी बसोली, यस चले। तो गाइज ये किसके बोले हुए वर्ड्स हैं, तो गाइज ये हैं भगत सिंह के बोले हुए वर्ड। भगत सिंह ने जेल में बोला कि भाई साहब हम अगर हिंदुस्तान में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम बंदूक के नोक पर कभी भी जो है रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, ये है कि हमें लोगों के आइडियाज बदलने होंगे, लोगों को बदलना होगा तब जाकर हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब भगत सिंह भी एंड में आकर अहिंसावादी, मतलब वो अहिंसावादी थे जो फिर बाद में नॉन वायलेंस एक्टिविटी पर आ गए थे। चले तो यहां पर बताया एट विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ द वेडिंगन टेक प्लेस, कब हुआ था गाइज, ये कौन से साल में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा, तो ये हुआ है गाइज 13th जनवरी एंड साल था गाइज 1779, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब यहां पर सब अगर सर डाटा खत्म। प्रदीप सिंह डोंट वरी डाटा खत्म, कोई बात नहीं हमारे क्वेश्चन भी करो। लव फ्रॉम राव फ्रॉम कनाडा जैक्सन, जैक्सन तुम लास्ट टाइम भी थे और अब भी हैं, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच फ्रॉम कनाडा आल्सो। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। रोजाना वीडियो आ रही है तब तक जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टेटस, ट्विटर, जहां पर शेयर कर सकते हो शेयर करो। मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे एग्जाम मतलब पास में आए, हजारों की संख्या में यहां पर बच्चे जो है वो एग्जाम ले। तानिया मैडम लव सिस्टर मिस यू सेशन रिविजन कंप्यूटर, बिल्कुल तानिया मैम भी जल्दी आएंगे आप लोगों के लिए। चले थैंक यू सर, लव यू, ओके थैंक यू सो मच। वरिंदर सिंह चंबियाल फ्रॉम चंबा, यस बट आई एम फ्रॉम भद्रवा। चले गाइस सर पॉलिटी कब से स्टार्ट होगा, तो सिराज चौधरी साहब जो है आपको बता दिया जाए कि थोड़ा ना मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग कर लो, जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी पॉलिटी भी स्ट्रांग बना देंगे, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग बना देंगे, जो भी आपकी चीजें वीक हैं वो सब आप लोगों के स्ट्रांग बनाना हमारा काम है। लव फ्रॉम कश्मीर एंजॉय विद आमिर सरोज रमीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू आमिर। गुड नाइट सर, गुड नाइट मी रिजवान, बाय बाय टेक केयर। दिलबीर सिंह यूर टीचिंग वे इज सुपर, थैंक यू सर, ओके दिलबीर सिंह थैंक यू सो मच। महबूब हुसैन ओके गुड नाइट, चलें। जफर बशीर विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दिल पर हाथ रख के अपने मम्मी पापा को याद करके एग्जाम देना कल, एंड इंशाल्लाह एग्जाम आपका कल अच्छे से होगा दिल्ली पुलिस का। चलें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलें।
गेमिंग लवर, ओके ओके, जाओ जाओ, जहां से जो मिल रहा है लपेटो, कहते ना ज्ञान जहां से मिले लपेट लो, बस वही है। गुड नाइट सर, स्टे हैप्पी, यू टू द रमजान। हाँ दार शाहिद साहब, इसमें ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन गाइस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द यू नो वीडियो, एंड शेयर भी करना। सो गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, एंड जुड़े रहो जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। जय हिंद, जय भारत गाइस। Thank you.